कनाडा, आज तीन अपडेट इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहला अपडेट होगा स्टूडेंट ओपन स्पाउस ओपन वर्क परमिट, जिसमें काफ़ी रिजेक्शंस आ रहे हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होगा मास्टर्स प्रोग्राम और उसके क्या बेनिफिट होंगे, और तीसरा जो नया पंगा कनाडा ने डाल दिया है असाइलम को लेके, तो उसके ऊपर बातचीत होगी। तो प्रेजेंटली इसमें आप दो बैड न्यूज़ कह सकते हैं, एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं। तो जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है इस समय, उसमें जो सक्सेस रेट है दोस्तों वो कम आ रहा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस पहले की लगी हुई हैं जिनके ऊपर जो सक्सेस रेशियो है इस समय कोई 50% के आसपास चल रही है, या मैं कहूँ उससे भी थोड़ी कम चल रही है। ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि बहुत सारी फाइल्स लगी हैं, इमिग्रेशन एक बड़ा मसला वहाँ पर बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने असाइलम अप्लाई किया, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में आपको एक शो दिया था। तो अब इस चीज़ को समझो कि कनाडा कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो लोग आगे अब आने वाले दिनों में स्पाउस जो ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा अलर्ट हो जाएं और ज़्यादा प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ करें। प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो स्पाउस है कनाडा के अंदर उसका प्रोफाइल मैटर करता है, वो कनाडा की तरह यूके की तरह नहीं चलता कि जस्ट उसने फंड लगा दिए, मैरिज सर्टिफिकेट लगा दिया और हो गया। नहीं, कनाडा के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, रिलेशनशिप को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है, ज़्यादा लीगल दिखाना पड़ता है, जेन्युइन दिखाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि जो स्पाउस है उसका अपना जो प्रोफाइल है, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसका प्रोफेशन, वो क्या जॉब या बिजनेस करता है, वो कितने फंड्स को होल्ड करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। तो स्पाउस की ITR रिटर्न्स होना ये इम्पॉर्टेंट है कनाडा के अंदर। ये चीज़ें आपको शायद UK में नहीं चाहिए, ये चीज़ें शायद आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं चाहिए, बट ये कनाडा में चाहिए। तो कनाडा में अब जो स्पाउस फाइल्स लगें या आप लोग अगर लगाओ, तो थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड एप्लीकेशंस लगाएं तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं, बट स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट हो पा रही हैं, और काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कारण अलग अलग फेस करके रिजेक्शन को फेस कर रही हैं, तो इसको लेके थोड़ा अलर्ट हो जाएं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, ये गुड चीज़ है कि कनाडा में अब मास्टर्स जो है, जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए, जिनके रिजल्ट आगे आने वाले हैं, जो जाएंगे अब, उनको अब PG डिप्लोमा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मास्टर्स प्रोग्राम लेके जा सकते हो। मास्टर्स प्रोग्राम में आप स्पाउस के साथ भी जा सकते हो। मास्टर्स प्रोग्राम आपका 2 साल का होगा, लेकिन उसे फास्ट ट्रैक में 1 साल में आप ख़त्म कर सकते हो। और IELTS स्कोर 6 overall 5.5 के साथ आप मास्टर्स प्रोग्राम ले सकते हो। तो ये बड़े बेनिफिट आपको मास्टर्स के होंगे। 1 साल के बाद आप तकरीबन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकोगे और उसके बाद अपना PR ले सकोगे। तो मास्टर्स एक फास्टेस्ट रूट होगा अब ग्रेजुएट्स के लिए। ऑप्शन आप जो भी सिटी में चाहेंगी मिल जाएंगी, डिपेंड्स ऑन योर बजट। और एक और बेनिफिट MC में हो जाएगा कि आपको PL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड जो चीज़ है वो है असाइलम को लेके, जिसे लेके पिछले दिनों मैंने एक शो दिया था, आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो असाइलम सीकर्स की बढ़ चुकी हैं, और इसे देखते हुए कनाडा ने अपने जो असाइलम के लॉज हैं उनमें वो आने वाले दिनों में बड़े चेंजेस करने वाले हैं। अभी उन्होंने चेंजेस की डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, तो एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया जा सकता, बट उन्होंने कहा है कि हम रूल्स को कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जो मैक्सिमम लोग जो असाइलम अप्लाई करते हैं वो डिपोर्ट हो सकें और उनको उनकी कंट्री भेजा जा सके। प्रेजेंट उनके असाइलम लॉज काफ़ी ईज हैं, पुराने हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग अब उसका बेनिफिट लेने लग गए हैं रैदर देन वो नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करें कि अपने वर्क परमिट्स लें और PR तक जाएं। उन्होंने असाइलम एक शॉर्टकट ढूंढ लिया बहुत सारे लोगों ने, तो उस शॉर्टकट को अब कहीं ना कहीं कनाडा बंद करना चाहता है। तो जो भी लोग, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा यहाँ से लेकर जा रहे हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा लेकर जा रहे हो, चाहे आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट लेके जा रहे हो, आई एडवाइज यू ऑल कि ये एप्लीकेशंस इस कैटेगरी के अंदर असाइलम सीकिंग के लिए ना लगाएं। अगर ये एप्लीकेशंस आप लगाते हैं तो आप आने वाले दिनों में बड़े रिस्क में रहेंगे। असाइलम की एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हो जाएगी, उसके बाद किसी भी और कैटेगरी में आप कनाडा के अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकोगे, मतलब कंट्री से एग्जिट परमानेंट हो जाएगा। तो अदर सोर्सेज की तरफ ज़्यादा मेहनत करें, अपने ओपन वर्क परमिट्स लें, ओपन वर्क परमिट के बाद अपने PR के प्रोसेस के लिए चलें, बट ये शॉर्टकट आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है।
और आगे इसका ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो। और स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन अब शुरू हो चुकी हैं, सीट्स आप सबको पता है इस बार लिमिटेड हैं, खासकर 10+2 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको PL की ज़रूरत है और PL की एक लिमिटेड काउंट है, उतना ही PL लेटर इशू होगा, उससे ज़्यादा इशू नहीं होगा। हर कॉलेज के अंदर एक कोटा है, हर प्रोविंस के अंदर एक कोटा सिस्टम है, तो आपको उसी के अंदर अंदर रहना है। जो ग्रेजुएट हैं वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको PL की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से रिलैक्स हो सकते हैं, बट 10+2 वालों के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि वो रिलैक्स होकर अपनी एप्लीकेशंस लगाएं। सो UK बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, न्यूज़ आप आम सुन रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद हो जाएगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जब भी बंद होगा, वैसे तो होगा ही नहीं ये मेरा स्ट्रांगली मानना है, बट अगर ये बंद होगा तो ये सिर्फ उन एप्लीकेंट्स के लिए बंद होगा जिस दिन ये रूल आएगा उसके बाद जो लोग अप्लाई करेंगे, तो मतलब जो उससे पहले जा रहे हैं उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो मोस्ट लाइकली अगर ये बंद होगा भी तो 2025 से पहले नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके बंद होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि UK ने जो रिस्ट्रिक्शंस पिछले दिनों वो लेके आया स्पाउस वीज़ा को लेके, वर्क परमिट को लेके, तो उसके कारण ऑलरेडी UK के अंदर एप्लीकेशंस काफ़ी कम हो चुकी हैं, अदर कैटेगरीज की स्टूडेंट्स की तो धड़ाधड़ चल रही हैं। तो अभी मुझे ये कहीं लगता नहीं है कि UK स्टूडेंट को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद करके रोकेगा, तो उस वहम से आप बाहर आ जाएं। तो अब जो नया सिस्टम है, लंदन से लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आपको इनविटेशन दे रही है, प्री मास्टर प्लस मास्टर्स प्रोग्राम आप ले सकते हैं। बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ग्रेजुएशन में आपके चाहिए 40%, 50 नहीं चाहिए, 55 नहीं चाहिए, 40% के साथ आप जा सकते हो। IELTS स्कोर जो आपके पास चाहिए 5.5 ईच और ओवरऑल भी चलेगा, अगर आप पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट नहीं। अगर आप पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 6 ओवरऑल 5.5 स्कोर चाहिए होगा और PT का स्कोर 59 चाहिए होगा। IELTS के अंदर वेवर मिल सकता है अगर आप CBSE के 10+2 स्टूडेंट हैं और आपके 70% इंग्लिश में। ये सब बेनिफिट के साथ साथ स्कॉलरशिप 2 लाख तक की मिलेगी, मतलब 2 लाख आपकी फीस कम हो जाएगी, ये एक और बड़ा बेनिफिट हो गया। तो मेन हार्ट में आप जा सकोगे, लंदन शहर के अंदर जा सकोगे, सिटी वाइज 1 प्लेस मिलेगा, परसेंटेज आपको कम चाहिए, IELTS PT इंग्लिश स्कोर हर कंट्री में आजकल चाहिए, तो इंग्लिश तो जस्टिफाई करनी पड़ेगी अगर हम स्टूडेंट वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट हम दे देंगे कि आपको पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर आज ही ब्रॉडवे टीम से कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल करें और अपनी एप्लीकेशन को जल्दी से रजिस्टर करें। आज के लिए इतना, थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी जीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें, हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिसेज हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं हैं, कस्टमर नहीं हैं, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। ब्रॉडवे तो विदेश जाने के सपने देगा।